जेवर एयरपोर्ट का लालच देकर लाखों लोगों के साथ हुई ठगी, अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हिमाचल के सीएम, बारिश से हुई तबाही की दी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर गरजा भारत, कहा वैश्विक आपूर्ति को राजनीतिक से कराना होगा मुक्त। 2014 के बाद देश में बड़ा बदलाव आया, क्योंकि गठबंधन युग खत्म हुआ, बोले राष्ट्रपति धनखड़। नितिन देसाई के अंतिम संस्कार में भावुक हुए आमिर खान, बोले काश खुदकुशी की बजाय उन्होंने हमसे मदद मांगी हो। पराली जलाने की घटनाएं शून्य पर लाने के लिए कसी कमर, कई राज्यों के साथ ही समीक्षा बैठक। एमपी से मोदी का जुड़ाव बढ़ाने को बीजेपी का नया अभियान, विकास दूत बन कोई भी कर सकता है योगदान। पाकिस्तान में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार, 150 परिवारों का जबरन कराया धर्म परिवर्तन। भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, अभी सदन में नहीं होगा पेश। सीएम गहलोत ने राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का किया उद्घाटन, बोले खेलों में अन्य राज्य के लिए बना रहा प्रदेश। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।